नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कोरोना जांच के लिए मुहैया करवाई जाएंगी सरकारी एम्बुलेंस। बिहार में कोविड 19 की जांच के लिए सरकारी एम्बुलेंस लोगों को सेवा मुहैया करवाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार ज्यादा गंभीर मरीजों की कोविड 19 जांच को लेकर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने निर्देश दिया है कि कोविड 19 जांच को लेकर उच्च जोखिम वाले लोगों को एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महिला और इससे पहले से गंभीर परेशानी से जूझ रहे व्यक्तियों के कोविड 19 जांच को लेकर संबंधित जिले के टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। इसके लिए कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टीम को रवाना किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लिया निशाने पर। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर दिन नई बातों का खुलासा हो रहा है। वहीं रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में सभी के निशाने पर है, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट के सिलसिले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से घंटों पूछताछ की। इसी बीच ईडी के पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के खिलाफ भी खूब बयानबाजी की है। उन्होंने 9 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान रिया ने कई सवालों का जवाब दिया है, मुझे कुछ याद नहीं। साथ ही रिया ने अपने आप को बेगुनाह बताया है। वहीं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार इंश्योरेंस के पैसे हासिल करना चाहता है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। सुशांत का परिवार हमेशा से चाहता था कि सुशांत रिया को छोड़ दे, लेकिन सुशांत रिश्ते को निभाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। मुंबई में क्वारंटाइन से मुक्त होने के बाद एसपी सिटी विनय तिवारी पहुंचे पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र के बाद मुंबई के बीएमसी ने पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया है। देर रात वे फ्लाइट से पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए आधी रात को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे थे। गौर करने की बात यह है कि एसपी सिटी को क्वारंटाइन से मुक्त करने के लिए बिहार पुलिस के एडीजी ने अपने स्तर से बीएमसी को चिट्ठी लिखी थी। खबरों की माने तो उसी के बाद बीएमसी ने एसपी सिटी विनय तिवारी को छोड़ने पर सहमति जताई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एसपी के क्वारंटाइन किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद बीएमसी की तरफ से विनय तिवारी को 7 दिन के अंदर मुंबई छोड़ने की शर्त पर ही क्वारंटाइन से बाहर निकालने पर सहमति जताई गई थी। बिहार के 16 जिले बाढ़ से पूरी तरीके से है प्रभावित। बिहार में 16 जिलों में बाढ़ का असर साफ पर देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बाढ़ प्रभावितों की संख्या 7 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। मात्र 15 दिनों पहले बिहार में बाढ़ प्रभावितों की संख्या 10 लाख थी, जो कि आज दोपहर बढ़कर 70 लाख तक पहुंच गई है। वहीं बाढ़ की वजह से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। 124 प्रखंड के 1185 पंचायतों में बाढ़ के कारण लोग परेशान है। वहीं अब तक 4.8 लाख लोग को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से बाहर निकाला जा चुका है। वहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सूबे में 1402 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं और उनमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को हर रोज भोजन खिलाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान जिला में बाढ़ बुरी तरीके से प्रभावित है। पटना डीटीओ कार्यालय का होगा अब अपना भवन। जिला परिवहन कार्यालय पटना का अब अपना भवन होने वाला है। फुलवारी शरीफ में लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अलग भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय पटना में तमाम तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाएंगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दे दी और बताया है कि वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय पटना विधान भवन में किराए पर संचालित है। इस भवन के निर्माण में आमजनों की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन परिसर का कुल क्षेत्रफल 50,793.36 वर्ग मीटर, जिसमें से निर्मित क्षेत्र 32,350.35 वर्ग मीटर है। साथ ही 3,565.35 वर्ग मीटर में आवासीय क्वार्टर का भी निर्माण किया जाएगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना हुई लागू। विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मियों को इसका लाभ साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मेरी जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2005 के बाद कर्मियों के मासिक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10% राशि अंशदान के रूप में काटी जाएगी। इसके साथ ही राशि नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी के बाद शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसके बारे में शिक्षा विभाग के जरिए राज्य सरकार के भी इस पर सहमति जता दी है। इस योजना के तहत पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड रखरखाव की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई योजना के तहत कर्मियों को नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण, फंड ट्रांसफर और रिकॉर्ड
बिल भेजेगी। गंगा नदी पहुंची लाल निशान के नजदीक। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यह नदी लाल निशान के नजदीक पहुंच गई है। शुक्रवार को जलस्तर गांधी घाट पर 48.12 मीटर ऊपर देखने को मिला था, हालांकि दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 49.33 मीटर था, जो कि लाल निशान से 1 मीटर 22 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं साथ ही कहलगांव में गंगा नदी लाल निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग ने सभी वार्ड सुरक्षात्मक तटबंध को सुरक्षित होने का दावा किया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले और बलतारा में लाल निशान से 125 सेंटीमीटर और कुर्सेला में 25 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर भी गोपालगंज के डुमरिया घाट पर लाल निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। रोसड़ा में लाल निशान से 320 सेंटीमीटर, खगड़िया में 130 सेंटीमीटर नदी के जलस्तर को देखा गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 9 अगस्त से बारिश के आसार फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ की वजह से बिहार में 7.50 लाख हेक्टेयर में फसल हुई बर्बाद। कोविड-19 के इस माहौल के बीच बिहार में बाढ़ ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। आम जनजीवन को हुए नुकसान के बाद किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बाढ़ की वजह से 7.50 लाख हेक्टेयर में फसल नुकसान हुआ है। वहीं 55 पशुओं की जान भी जा चुकी है। प्रत्येक पशु के लिए पशुपालक को 30,000 भी मुआवजा के रूप में दिया गया है। वहीं किसानों को हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को छपरा के मशरक, तरैया सहित वार्ड प्रभावित प्रखंड का निरीक्षण किया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य के 16 जिलों के 120 प्रखंड और 1145 पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित है। प्रारंभिक आकलन में 7.50 लाख में फसल नुकसान की रिपोर्ट मिली है। बिहार बोर्ड ने पहली लिस्ट की जारी। बिहार बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। इंटर में दाखिला के लिए बिहार बोर्ड ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के साथ ही कॉलेजों में दाखिल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगी। पटना के एएन कॉलेज, बीएड कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जेडी वुमेन्स इत्यादि सभी कॉलेज ऑनलाइन दाखिला ले रहे हैं। कोविड-19 के कारण छात्रों को कॉलेज नहीं बुलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले दिन ज्यादा छात्रों का दाखिला नहीं हुआ है। जिन छात्रों का सिलेक्शन पहले लिस्ट में हुआ है, बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसके तहत अब सभी अभ्यर्थी www.ofssbihar.in पर जाकर लॉगिन कर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि चयन प्रथम सूची में चयनित छात्र अगर आवंटित संस्थानों में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। नेपाल लगातार बिहार के लिए उत्पन्न कर रहा है परेशानी। चीन के इशारों पर चलकर नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। चीन के इशारों पर ही भारत विरोधी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नेपाल ने नया दाव चला है। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा पर पिछले दिनों से तनाव देखा जा रहा है और अब बिहार के लिए नेपाल बड़ा सिरदर्द बनकर उभर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल ने बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास हेलीपैड बनाने का काम शुरू दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नो मीन्स लैंड में 360 डिग्री का सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। वहीं नेपाल की तरफ से किए जा रहे कारनामों की वजह से भारत के खिलाफ उनका विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल ने हाल ही में अपना मानचित्र जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को अपना बताते हुए शामिल किया था। उत्तर बिहार के ऐतिहासिक धरोहर पर बाढ़ की वजह से बढ़ सकती है परेशानी। उत्तर बिहार के ऐतिहासिक धरोहर की बाढ़ की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली से लेकर पश्चिम चंपारण के लौरिया, एक ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थल, बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। पूर्वी चंपारण का केसरिया बौद्ध स्तूप का परिसर महीना भर से जलमग्न है। केसरिया बौद्ध स्तूप की दक्षिणी पूर्वी चार दीवारी गंगा की बाढ़ की वजह से डूब चुकी है। वैशाली की सीमा पर मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप परिसर में बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा है। लौरिया अशोक स्तंभ परिसर में पानी धीरे धीरे निकल गया है, लेकिन दूसरे पर्यटन स्थलों पर अभी भी पानी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हर साल की बाढ़ से इन महत्वपूर्ण स्थलों के प्रमुख स्थल को काफी ज्यादा नुकसान करना पड़ता है। एम्स में भर्ती चंद्रिका राय ने जदयू में जाने का दिए संकेत। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। वहीं चुनाव से पहले ही दल बदल की राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने जदयू में जाने के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। उन्होंने जदयू का एक लिंक साझा करते हुए परसा विधानसभा क्षेत्र के अपने समर्थकों को जदयू के प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर करने की अपील अपने फेसबुक आईडी से बीते दिन की है। लिंक पर समर्थकों कार्यकर्ताओं को जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर साझा करने की बात कही गई है, जिसके बाद डेटा को सेव करने की बात भी उन्होंने कही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय वर्तमान में एम्स में भर्ती है। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 34 विधायक को मिली जमानत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 34 विधायकों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए दर्ज किए गए मामले से जमानत मिल गई है। इन लोगों के खिलाफ 29 मई को पटना के सचिवालय थाना में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके तहत लॉकडाउन अधिनियम उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने की बात कही गई थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत राज्य के उन सभी 34 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने गोपालगंज में हुए वाकया को लेकर राबड़ी देवी के आवास के बाहर 29 मई को अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं के साथ 4 घंटे से ज्यादा समय तक विरोध किया था और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ गलत बर्ताव भी किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजद की यह सभी विधायक गोपालगंज में हुए वाक्य के लिए जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को हिरासत में लेने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ही निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधायकों का जमावड़ा लगाना शुरू हो गया था। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर ने सौरभ गांगुली को बताया सर्वश्रेष्ठ भारतीय कप्तान। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह ने सौरभ गांगुली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय कप्तान बताया है। उनका मानना है कि किसी भी कप्तान का सही आकलन यह नहीं हो सकता कि उसने कितने मैच खेले हैं या उसने कितने टूर्नामेंट जीते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी कप्तान का सबसे अहम काम होता है कि वो अपनी टीम में एक यकीन पैदा करे और अपने खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करे। उन्होंने टीम में यह धारणा भरी है कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जीत सकती है और इसका फायदा धोनी को भी हुआ है। नए गांगुली के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने टीम को कई शानदार खिलाड़ी भी दिए हैं। गांगुली ने टीम में भरोसा जताया है और नए खिलाड़ियों को मौका भी दिया है। वहीं उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव की कप्तानी को एक जैसा बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब कपिल देव के कप्तान थे तो वो यकीन नहीं था, सकारात्मक शांति कप्तानी में रणनीति तौर पर दोनों एक जैसे हैं। मेरे लिए कपिल और धोनी एक बराबरी पर हैं। अगर कपिल देव से पहले किसी ने वर्ल्ड कप जीता होता तो वो और बेहतर कप्तान हो सकते थे। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 21 लाख के करीब। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 61,537 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 20,88,611 पर पहुंच गई है, जबकि 933 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में जा चुकी है, जिसके बाद कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 42,518 पर पहुंच गई है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोविड-19 से 14,27,005 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं और स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 68.32% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में अभी भी 6,19,088 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। संक्रमण के कुल मामलों का 69.64% है। एक दिन में वैश्विक कोविड-19 की वजह से 61,537 नए मामले आने की वजह से संक्रमण के मामले 20,88,611 पर पहुंच गए हैं। वहीं लगातार 10वां दिन है जब कोविड-19 से एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं अब तक भारत में कोविड-19 से 2,33,87,171 जांच करवाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 5,98,778 नमूनों की जांच की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।